हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में बहुपदों को जोड़ना सिखाएंगे और इस वीडियो में दो तरीके से बहुपदों को जोड़ना सिखाएंगे जिससे आप लोग भी आसानी से जोड़ना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है, बहुपद का जोड़ है, ठीक। और उसके लिए क्वेश्चन है, 2x+3 और 5x-6 को जोड़िए। यानी एक बहुपद ये है, दूसरा ये है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। तो इसको दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला क्या है, जैसे पहला बहुपद क्या है, 2x+3, तो लिख लेंगे 2x+3, ठीक। और उसके बाद कितना जोड़ना है, 5x-6 जोड़ना है इसमें। तो x वाला के सामने लिखेंगे और नंबर वाला के सामने लिखेंगे, ठीक। तो 5x है तो 2x के सामने लिखेंगे 5x, ठीक। x वाला के सामने लिख लिए। उसके बाद अब चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या है, चिन्ह माइनस का है तो इसमें भी माइनस लगा देंगे। उसके बाद नंबर वाला के सामने यानी 3 के सामने ये नंबर वाला लिखेंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक। इस तरह से कर लेंगे और यहाँ इसको जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। इस तरह से भी यहाँ जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, x वाला के साथ जुड़ता है, नंबर वाला के साथ, ठीक। तो यहाँ x वाला के साथ जोड़ेंगे। यहाँ 2x प्लस में है, 5x भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 7x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ इसको जोड़ना है तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है तो जुड़ता नहीं है बल्कि घट जाता है, ठीक। तो यहाँ 6 में से 3 को घटाएंगे यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। लेकिन अब चिन्ह देखेंगे कि चिन्ह कौन सा लगेगा, यहाँ दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में 6 बड़ा है, बड़ा अंक के साथ जो चिन्ह रहता है वही लग जाता है, तो बड़ा अंक के साथ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ 2x+3 है तो 2x+3 लिख देंगे, ठीक। इसको ब्रैकेट इस तरह कर देंगे। उसके बाद जोड़ना कितना है, 5x-6 जोड़ना है, तो बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद 5x-6 है तो लिख देंगे। इस तरह लिख कर भी जोड़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2x+3 है तो 2x+3 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी ये प्लस और 5x के साथ कुछ भी नहीं यानी प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 5x है तो 5x लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस में अब माइनस से गुना होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक। अब इसके नीचे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x वाला के साथ जुड़ेगा और नंबर वाला के साथ जुड़ेगा, ठीक। तो x वाला एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, यानी 2x और 5x दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे। 2x और 5x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, तो 7x लिख देंगे, ठीक। उसके बाद अब नंबर वाला देखेंगे, नंबर वाला यहाँ है और यहाँ है, यानी ये 3 है, ये 6 है, इस दोनों का क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, जब एक प्लस और दूसरा माइनस में रहता है तो क्या होता है, घट जाता है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा, तो 6 में से 3 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद चिन्ह देखेंगे कि चिन्ह कौन सा लगेगा, यहां तो एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो 6 बड़ा है, 6 के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहां लग जाएगा, ठीक। यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन को दो तरीका से जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब जो अगला प्रश्न है उसको हल करते हैं और सीखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, 2x² + 4x - 2 और जोड़ना कितना है, 3x-2 को इसमें जोड़ना है, ठीक। तो जोड़ने के लिए पहला जो बहुपद रहता है उसको उसी तरह लिख देंगे, यानी 2x² + 4x - 2, यानी कोष्टक से इसको बाहर निकाल दिए, ठीक। उसके बाद इसको भी कोष्टक से बाहर निकालेंगे, लेकिन प्लस से गुना होगा, तो प्लस से गुना होता है तो चिन्ह वही रह जाता है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3x है तो 3x लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 है तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब वही रहता घटाव, घटाव में क्या होता है, यहाँ अगर माइनस रहता तो चिन्ह अंदर का पूरा चेंज हो जाता, यहाँ प्लस है इसलिए चिन्ह चेंज नहीं हुआ है, जो चिन्ह अंदर था वही बाहर रह जाएगा, ठीक। अब इसको हल करेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2x² है तो x² वाला इसमें ढूंढेंगे, क्योंकि x² वाला के साथ ही जुड़ेगा, तो इसमें एक ही है तो 2x² लिख देंगे। उसके बाद क्या है, अब x वाला को ढूंढेंगे, इसमें x वाला है कि नहीं, तो x वाला एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इस दोनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 4x और 3x कितना हो जाएगा,
प्लस 7x हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद नंबर वाला देखेंगे, नंबर वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों की क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, अगर दोनों में समान चिन्ह रहता है यानी एक ही जैसा चिन्ह रहता है, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो एक ही जैसा चिन्ह रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह वही दिया जाता है जो चिन्ह उसमें दिया रहता है। तो इसमें माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही, लेकिन दोनों में एक ही जैसा चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो दो और दो को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, चार लिख देंगे। ठीक, जो 2x² + 7x - 4 यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी बहुपदों को जोड़ को इसी तरह आसानी से जोड़ सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।